अच्छा जी, मैं रेस्ट डे का थोड़ा आपको बता दूं कि रेस्ट डे हमारा बेसिकली था क्या। तो रेस्ट डे ये है कि आज हमारा एक डे टाइम पे तकरीबन इवेंट है 700 लोगों का, जिसको जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। सुबह से उठ के हम लोग ऑन बोर्ड हैं, बल्कि कल इतना बड़ा इवेंट हो तो एक रात पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो एक तो आपको सेटअप दिखाते हैं, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगी हुई है और बेसिकली उसको फॉलो भी करना चाहिए कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो एक बड़ा मुश्किल पीरियड में हम लोग गुजरे हैं। तो अब दोबारा हम उस पीरियड में ना गुजरें और गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करें, तो अब एक ओपन एयर का बेसिकली ट्रेंड चल गया है। तो वो भी साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हमारा जो ओपन एयर में क्या सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं और किस तरह आपके जो है वो इवेंट्स को हम जो है वो मोर ग्लैमराइज कर रहे हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं। बेसिकली जो दिन का इवेंट होता है वो मुझे लगता है कि रात के इवेंट से ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया जा सकता है, खूबसूरती उसकी बढ़ाई जा सकती है। साथ साथ चलते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं कि क्या क्या हमारी तैयारी हो रही है। तो ये बेसिकली हमारा आज का जो रेस्ट डे है ना वो ये है। तो लेकिन आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप इसमें हमें एडवाइस करते हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो प्लान किया है वो ये किया है कि बजाय के ओवर बर्डन होने के, चूंकि उसमें मकसद जो स्वाद रेस्टोरेंट शुरू करना किया है उसमें मकसद पैसा कमाना नहीं है, उसमें मकसद यही था कि आप लोग हमें पुश कर रहे थे कि हम इवेंट्स के अलावा भी आपका खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फोरम नहीं था आपके पास। घर में तो मेहमान आ जाते हैं, मैक्सिमम आ जाते हैं, लेकिन हर बंदा घर में भी नहीं आ सकता। रेस्टोरेंट पर जो है वो ईजीली आपके पास एक्सेस होती है। तो मैं ये दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आपने हमें पुश करके ये रेस्टोरेंट शुरू करवाया, माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। जिन जिन दोस्तों ने हमें कहा कि शुरू करवाया वो खुद भी आए हैं, उन्होंने लोगों को भी भेजा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ हो गए हैं उसमें रेस्टोरेंट में। लेकिन ये है कि साथ साथ ना हमने अपने इवेंट्स को भी ले कर चलना है, क्योंकि इधर भी हम लोगों के साथ कमिटेड हैं, तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होंगी हमारी। तो दोनों चीज़ों को ही हमें लेके चलना पड़ेगा, जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। स्वाद का मकसद आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाने के लिए एक फोरम देना था। मजीद उस्मान साहब इसमें ऐड करते हैं, फिर आपको दूसरी साइड वाला सेटअप भी दिखाते हैं। जी, स्वाद लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है ना वो मेन मार्केट में स्टार्ट कर दिया है। इवेंट्स तो हम लोग आपके करते ही हैं, कॉरपोरेट में भी हम लोग आपको फूड देते हैं। तीसरा, हम लोगों ने आपके लिए ऑप्शन बड़ा अच्छा एक छोड़ दिया हुआ है कि आप लोग स्वाद पर आ सकते हैं। अगर कभी कभी हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट बेसिकली वो यही होता है, उसमें ये नहीं होता कि हम घर में सोए होते हैं। जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है और हमारे वर्कर्स जो है ना उनकी एंड हो गई होती है कि सर अब हमें छुट्टी चाहिए, फिर ही हम रेस्ट करते हैं, वरना हम लोग अपनी सर्विसेज देने में 100% बल्कि 200% हम लोग जो है ना उसमें कमिटमेंट्स और अपनी मेहनत करते हैं। तो रेस्ट हमारा ये है जो हमने कल अपने पेज पर अनाउंस किया था। ये मैं कहूँगा हमारे जो कैमरे वाले भाई हैं कि इसको सारे सेटअप को भी दिखाएं और दूसरी साइड पे भी जो हमारा सेटअप है उसकी तरफ भी। ये जो फर्स्ट सेटअप आपको दिखा रहे थे हम लोग इस साइड पे, ये बेसिकली इन्होंने लेडीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ है। आगे आपको लेके चलते हैं, ये बेसिकली अब चूंकि ओपन एयर का इन्होंने कह दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ये एक फार्म हाउस है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं फार्म हाउसेज के हवाले से। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, आपकी बुकिंग हुई हो किसी मार्की में या किसी शादी हाल में और वो आपको जो है वो नई सर्विसेज दे पा रहे, तो आप हमारे पास आएँ, आपको बेहतरीन फार्म हाउसेज की ऑप्शन भी देंगे हम लोग। ये बिल्कुल लाहौर के, आप समझ लें कि मिड में ये फार्म हाउस मौजूद है और ये हमारे पास एनी टाइम अवेल होता है। इसके सराउंडिंग में भी कुछ हमारे पास फार्म हाउसेज मौजूद हैं, वो भी आपको हम दे सकेंगे। ये देखें माशाल्लाह, दिन का इवेंट जो है वो लाइट्स के बगैर, एक तो लाइट्स का खर्चा आपका बच जाता है और दिन का इवेंट भी जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अगेन मैं वो यही आपको कहूँगा जिस तरह उस्मान भी बार बार हाईलाइट कर रहा है कि रेस्ट का मकसद ये नहीं है कि हम लोग घर में सोए हुए हैं। वैसे तो मैं 2-3 दिन हो गए हैं मुझे मुसलसल रात को 9-10 बजे के करीब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मुसलसल उधर रेस्टोरेंट में ज़रा थोड़ा एक्टिवली सर्विसेज देनी पड़ती हैं आपको और रिस्पांस अच्छा होने की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो मैं भी चाह रहा था कि संडे की हमारी छुट्टी हो, लेकिन छुट्टी के बावजूद भी जो है वो माशाल्लाह भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, काम कर रहे हैं। ये आपको दोनों साइड से हमने अपना दिखाया है कि किस तरह का सेटअप हमारा लग रहा है। तो बाकी ये है कि आप कोई भी इवेंट हो आपका, उस हवाले से सदीक संस को याद रखें, मज़े के खाने खाने हैं आपने तो उसके लिए स्वाद को याद रखें। बहुत शुक्रिया अगेन आपका कि आप लोग इस रेस्टोरेंट को, हमारे जो केटरिंग का बिज़नेस है इसको अपना समझते हैं, हमें मज़े मज़े के मशवरों से और बहुत अच्छे मशवरों से नवाजते हैं।
बहुत खुशी होती है, दिल बड़ा हो जाता है कि हमारे पीछे दुआएं करने वालों की एक लंबी तादाद मौजूद है। कोई मक्का मुकरमा में बैठ के दुआएं कर रहा होता है, कोई मस्जिद नबी में बैठ के दुआएं कर रहा होता है, कुछ इधर पाकिस्तान में बैठ के दुआएं कर रहे हैं। तो आपकी दुआओं की वजह से माशाल्लाह बहुत दफ़ा हम मुश्किल तरीन इवेंट्स को जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से करके निकले हैं। तो जब भी आपसे दुआ की रिक्वेस्ट की जाती है, आप खसूसी तौर पर दुआ किया करें और इसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।